हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑटोफाई के 6 LED फॉग लैंप्स के ऊपर। सो ये पूरा डिटेल वीडियो रहेगा इसके बारे में। पहले अनबॉक्सिंग रहेगा, फिर इंस्टॉलेशन रहेगा, उसके बाद दो टेस्ट रहेंगे। एक तो है वाटरप्रूफ टेस्ट और दूसरा है रात को ब्राइटनेस टेस्ट। तो पूरा देखिए वीडियो, कुछ भी स्किप मत करना। अगर स्किप नहीं किया तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंस्टॉलेशन है और आपको ब्राइटनेस और वाटरप्रूफ है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। सो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं अभी। चलिए अभी अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं और खोलते हैं इस बॉक्स को। सबसे पहले आपको इस बॉक्स में मिलेगा जो है ऑटोफाई का वारंटी कार्ड, और इसके पीछे आपको एक यूनिक कोड मिलेगा, और ये यूनिक कोड आपको अपने बॉक्स पे भी मिलेगा। ये यूनिक कोड अगर आप ऑटोफाई के वेबसाइट पे जाके वारंटी के सेक्शन में अगर आप ये यूनिक कोड आप डालते हो आपकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। और इसके बाद आपको मिलता है ये स्विच ऑटोफाई की तरफ से, और ये बॉक्स में पहले से आता है। और स्विच की अगर क्वालिटी की बात करें तो मैं बहुत कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज क्वालिटी का स्विच है। देखिए यहाँ से पानी भी जाने के चांसेस है, और बटन भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है क्लिक करने में, ऑन ऑफ करने में। ये स्विच आपको बॉक्स में मिलता है इनसाइड में। और बाकी तो कुछ क्या है, बहुत अच्छा है, वायर वायर भी काफ़ी अच्छी लंबी है। फिर हमें मिलते हैं ये क्लैम्प्स, तो क्लैम्प्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं क्लैंप्स। और इसके साथ हमें जो फिटिंग के लिए एक्सेसरीज है, नट बोल्ट और जो कुछ भी हमें मिलता है एक्स्ट्रा के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये क्लैंप्स में मिलते हैं, इससे हमें लेग गार्ड पे ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हम इसको फिट कर सकते हैं। और फिटिंग के लिए ये जो हमें मिलते हैं ये मेटल के हैं, ये हमें अपने लेग गार्ड पे फिट करके फिर बाद में जो फॉग लैंप्स है इसके ऊपर हमें माउंट करने पड़ेंगे। ये हमें दो मिलते हैं, वैसे ही क्लैम्प्स जो है वो भी दो मिलेंगे हमें। अब बढ़ते हैं फॉग लैम्प्स की तरफ। ये हमें मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स, इसको पहले हम निकाल लेते हैं रैपर से। ये बबल रैप में आता है, और इसके अंदर और एक प्लास्टिक का रैप किया गया है जो बहुत ही टाइट है। जो पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगा इसमें, और फॉग लैम्प्स भी काफ़ी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के फॉग लैम्प्स मिले हैं हमें, और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो है साइड वाले जो पैनल से इसके, ये ABS प्लास्टिक से बने हैं, और जो पीछे का जो हिस्सा है जो हीट सिंक का काम करेगा वो एल्यूमिनियम से बना है। यहाँ पे आपको ऑटोफाई की ब्रांडिंग मिल जाती है जो एक बहुत अच्छी बात है। ये पूरा एल्यूमिनियम का पीछे का की जो केसिंग है, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपको हीट डिसिपेट करने में मदद करेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगी आपके फॉग लैम्प्स। और वायर भी इसकी काफ़ी अच्छी लंबी है, और क्वालिटी की हम बात करें फॉग लैम्प्स की तो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है हमें। अभी चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। अभी करना ये है हमें, जो हमें माउंटिंग ब्रैकेट मिला है उसको इस नट बोल्ट में अच्छी तरीके से फिट करना है। ये हमें अपना जो लाइट का एंगल है वो एडजस्ट करने में मदद करेगा। पहले बार हमें नट को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि हम अपने हिसाब से एंगल एडजस्ट कर सकें, जैसा आपको चाहिए आप वैसा एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में वो भी दिखाऊंगा। अभी ये थोड़ा मैंने ढीला रखा है उसको, और फिर बाद में हमको फॉग लैम्प्स कैसे चाहिए वो हम फिट कर सकते हैं। अभी नीचे वाला जो पार्ट है वो होगा लेग गार्ड पे इंस्टॉल, उसमें हमें पहले नट फिट करना है, और फिर जो क्लैंप आते हैं वो लेग गार्ड में इंसर्ट करके उसके ऊपर हमें वो फॉग लैम्प फिट करना है अच्छे से। अभी मैं फटाफट वो सब दिखा देता हूँ कैसे फिट करना है। अभी मैंने ये क्लैंप जो है लेग गार्ड पे फिट कर दिया है, और अभी ये जो नट है हम ऐसे फिट करेंगे उस क्लैंप में और नीचे से बोल्ट को टाइट कर देंगे। ये अभी पूरा टाइट हो गया है अच्छी तरीके से। इसकी वायर हमें लेग गार्ड से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जानी है। ये देखिए अभी ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ये जो वायर है अभी मैं लेग गार्ड के थ्रू ऊपर तक ले जाऊंगा। और कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शंस बहुत ही इजी है इस साइड के, उस साइड भी वैसे ही करना है। अभी जितने भी वायर्स हैं हमें उन्हें सामने लेके आना है फेयरिंग के अंदर। ये स्विच की वायर है, दोनों स्विच के वायर्स और दोनों फॉग लैम्प्स के वायर्स हमें अंदर लेके आना है, और फिर जो फॉग लैम्प्स के जो दोनों वायर है उन्हें सेकेंड वाले फॉग लैम्प्स के दोनों पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव दोनों को हमें ज्वाइन करना है। पहले हम फॉग लैम्प्स के दोनों वायर ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए व्हाइट वाला जो है पॉजिटिव है,
हम पहले पॉजिटिव को ज्वाइन कर लेंगे और फिर निगेटिव को ज्वाइन करेंगे। निगेटिव का जो है बहुत सिंपल है, आप कहीं पे भी उसको एक वायर एक्सटेंड करके आप अर्थिंग दे सकते हैं किसी भी नट पे, उसका उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। पॉजिटिव की जो वायर है आपको उसको एक स्विच में डालना है, और स्विच की जो दूसरी वायर बचती है उसको आपको इग्निशन के पॉजिटिव में डालना है। सो अभी हम फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। सो अभी मैंने किया ये है, स्विच के दोनों जो वायर्स है उनको मैंने थोड़े एक्सटेंशन दे दिया है दो वायर्स लगा के। सो एक वायर जाएगी पॉजिटिव पे फॉग लैम्प्स के, और दूसरी वायर जाएगी इग्निशन के पॉजिटिव में। अभी जो स्विच की दूसरी वायर बचती है वो हमें इग्निशन के पॉजिटिव टर्मिनल में डालनी है, और जो कपलर है हमें फिर बंद करना है उसको। और बहुत ज़रूरी है जो वायर्स खुली छोड़ी है हमने उसको इंसुलेट करना। सो अभी जो बचा काम है हम कर लेते हैं पहले। ये कपलर अच्छी तरीके से बंद हो गया है अभी। अब ये जो वायर बचती है नेगेटिव वाली, सो उसको हम ग्राउंड कर देंगे, और ये जो है जितने भी अभी वायर्स खुले हैं उनको हम इंसुलेट कर देंगे अच्छी तरीके से। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी वायर कहीं भी टच हुई तो पूरा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो अभी ये जो निगेटिव वाली वायर है उसको मैंने एक ग्राउंड करके एक वायर एक्सटेंड कर ली है, और अभी मैं इसको डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा। अभी जो है पूरा जो सर्किट है कंप्लीट हो गया है। जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे और अब फॉग लैम्प का स्विच दबाएंगे, सो फॉग लैम्प ऑन हो जाएंगे, और अगर हमने बीच में ही अगर इग्निशन बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली फॉग लैम्प्स बंद हो जाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इग्निशन में सही तरीके से वायरिंग नहीं की है तो आप अगर चाबी बंद रखोगे तभी भी आपके फॉग लैम्प्स ऑन हो सकते हैं। वो आप एक बार चेक कर सकते हो, दोनों टर्मिनल में आप जो वायर है पॉजिटिव वाली फॉग लैम्प्स की वो आप डाल के देख सकते हो वो सब। सो अभी सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको हम अच्छी तरीके से टेप कर लेंगे। सो अभी जो है मैं पूरा थोड़ा वीडियो स्किप करके बाद का वीडियो दिखाऊंगा। अभी वायर्स को अच्छी तरीके से हमने इंसुलेट कर दिया है। सो अभी ये जो फेयरिंग है हम उसको बंद करके फिर हम एक बार देख लेंगे। सो और अगर कुछ इंसुलेशन आपका बाकी होगा तो आप देख सकते हो उसको। सो अभी वायर्स को अच्छी तरीके से अरेंज करके ताकि ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे, हम जो है फेयरिंग बंद कर देंगे। हमने फेयरिंग लगा लिया है, और एक बार अभी चेक करते हैं फॉग लैम्प्स अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो ये मैंने अभी इग्निशन किया चालू, पार्किंग लैम्प्स ऑन हो गए हैं, ये मेरा हेड लैम्प ऑन हुआ है, और ये हुआ है फॉग लैम्प्स ऑन। सो फॉग लैम्प्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब इंस्टॉलेशन जो है बराबर हुआ है सब कुछ। सो अभी पूरी तरीके से गाड़ी को फिट कर लेते हैं और देखते हैं बाद में। तो अभी आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या ये फॉग लैम्प्स वाटर प्रूफ है? तो अभी हम वही टेस्ट करने वाले हैं, और मेरे पास है एक पानी की बॉटल। सो अभी मैं इसके ऊपर से पूरी तरीके से पानी डालने वाला हूँ, और पूरे आजू बाजू से सब जगह से मैं पानी डालूंगा इसके ऊपर। सो ये मैंने फॉग लैम्प्स चालू कर दिए है, इसके ऊपर से भी मैं पानी डालूंगा। अगर ब्राइटनेस में थोड़ा भी फ़र्क आता है तो आपको पता चल जाएगा इसमें, और फिर ये फॉग लैम्प्स जो है वाटर प्रूफ नहीं रहेंगे। सो अभी मैं पानी डाल रहा हूँ इसके ऊपर से, पूरी तरीके से मैं इसको डुबा दूंगा पानी में। और मेरे पास 1 लीटर पानी है ये बॉटल में, पूरा 1 लीटर में इसके ऊपर डालने वाला हूँ। सो ये आप देख सकते हो, अभी तक इसके ब्राइटनेस में फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अभी ये परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए इसके ब्राइटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। सो इसका मतलब ये फॉग लैम्प जो है अच्छी तरीके से वाटर प्रूफ है, रेनी सीजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये फॉग लैम्प्स यूज़ करने में। सो इसके बाद जो अभी मैं करूँगा वो है नाइट टेस्ट। ब्राइटनेस आप इसकी देख सकते हो नाइट में। सो अभी इसके बाद जो रहेगा ब्राइटनेस टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम रात का टेस्ट करेंगे और रात में देखेंगे। सो पहले मैं लो बीम चालू करूँगा हेड लैम्प की, मेन हेड लैम्प जो है उसकी लो बीम हम चालू करेंगे। सो ये अभी लो बीम चालू कर दिए मैंने, और अभी हाई बीम चालू करूँगा। पहले आप हेड लैम्प की ब्राइटनेस देख लीजिए। सो ये अभी हाई बीम चालू की है, और अभी करेंगे हम फॉग लैम्प्स ऑन। सो हाई बीम और इसका इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा का जो पूरा रोड है क्लियर हो जाएगा आपके लिए।
सो अभी कुछ आप इसके शॉर्ट्स देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।